कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संतोष काला, श्रीमती सुरेखा काला, रायपुर, छत्तीसगढ़। सौभाग्य भक्त श्री रमेश काला, श्रीमती गुणमाला काला, हैदराबाद। सौभाग्य भक्त श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। आयोजक सौभाग्य संस्कार संगठन, दिल्ली। अचल जैन, अजीत सेठी, विकास जैन, पुष्प जैन। महानुभावों, आज हम चलेंगे विचारों की ओर। उसके पहले आपसे कुछ बात समझता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं। जब आप भोजन करने बैठते हैं और यदि आपके भोजन की थाली गंदी होती है, खराब होती है, तो क्या आप उसमें भोजन कर सकते हैं? आप जब भोजन करने बैठते हैं, जब आपकी भोजन की थाली गंदी होती है, खराब होती है, तो क्या आप उसमें भोजन कर सकते हैं? तो मैं समझता हूँ, नहीं कर सकते हैं। आप पानी पीने का गिलास लेते हैं और उस गिलास में यदि गंदगी पड़ी हो, तो क्या आप पानी पी सकते हैं? तो शायद नहीं पी सकते हैं। आप घर में कहीं पर सोने का प्रयास करते हो, बिस्तर पर, जमीन पर, यदि वहाँ पर कोई गंदगी होती है, तो पहले आप वहाँ पर साफ सफाई करते हो, उसके बाद में आप वहाँ पर शयन करने का प्रयास करते हो। आप ट्रेन में, बस में, प्लेन में, यहाँ तक कि मंदिर जी में भी आकर बैठते हो और यहाँ पर थोड़ा सा कचरा हो, थोड़ी सी धूल हो, तो आप इसको पहले सफाई करते हो और उसके बाद में बैठने का प्रयास करते हो। तो विचारणी बात यहाँ पर यह है, हर जगह आपको साफ सफाई पसंद है। हर जगह, चाहे खाने में हो, चाहे पीने में हो, चाहे पहनने में हो, चाहे उड़ने में हो, चाहे बिछाने में हो, चाहे चलने में हो, चाहे फिरने में हो, हर जगह आपको साफ सफाई पसंद है। लेकिन क्या आपको जहां पर सफाई करना पसंद है, वहां पर सफाई है? जहां पर आपको सफाई करना पसंद है, वहां पर तो आप सफाई कर लेते हो, लेकिन जहां पर परमात्मा को सफाई पसंद है, वहां पर सफाई है कि नहीं? जिस प्रकार से आप भोजन उसी थाली में करते हो जहां पर स्वच्छता होती है, पानी आप उसी ग्लास में पीते हो जो स्वच्छ ग्लास होता है, आप बैठते वहां पर हो जहां पर साफ सफाई होती है, तो उसी प्रकार से आप विचार करिए कि परमात्मा कहां पर आकर बैठेंगे, गुरु आकर कहां पर बैठेंगे, जिनवाणी कहां पर आकर बैठेंगे? तो आचार्यों ने कहा, जिसका मन, जिसका विचार, जिसका दिमाग एकदम साफ होगा, वहीं पर परमात्मा, गुरु का और जिनवाणी का वास होगा। जब गंदगी आपको पसंद नहीं है, तो हमें गंदगी कैसे पसंद होगी? जब आपको गंदे जगह पर उठना बैठना पसंद नहीं है, तो परमात्मा कैसे वास करेंगे? ध्यान रखना, जिस प्रकार से आज टेक्निकल जमाना चल रहा है, आपके मोबाइल की मेमोरी भरती है, तो आप उसको भी कम करने का प्रयास करते हो, उसमें से फालतू आलतू की चीजें हटा देते हो। विचारणी बात यहां पर है कि जब मोबाइल में मेमोरी भर जाती है, तो आप क्या डिलीट करते हो? सबसे पहले यादगार फोटो की बेकार फोटो? बेकार फोटो। और यदि आप बेकार फोटो को डिलीट नहीं करोगे, तो हो सकता है कि यादगार फोटो भी डिलीट हो जाए, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। इसी प्रकार से आप अपने मन के अंदर समय समय पर झाड़ू लगाते रहो, अपने विचार के अंदर समय समय पर उसको खाली करते रहो, अपने तन को समय समय पर साबुन की जगह गुरुओं की वाणी से, शास्त्रों के स्वाध्याय से, प्रभु के उपदेश से, अच्छे पुरुष की संगतियों से तन को भी साफ करने का प्रयास करो। आप स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद साबुन लगाते हो, कौन सी साबुन लगाते हो? साबुन समझते हो ना? ऐसे बैठ जाते हैं आप लोग, कोई समझता ही नहीं है।
आप लोग स्नान करने के बाद तरह तरह की साबुन लगाते हो, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट साबुन लगाते हो। एक जमाना था जब साबुन चलती थी, कौन सी थी वो, लाइफ बॉय है जो लाइफ लाइफ चलती, कौन सी चलती थी वो वाली साबुन एक समय पर चला करती थी कि हर घर में एक साबुन मिला करती थी। आज एक समय बदल गया, पहले घरों में साबुन लाइफ बॉय और मंजन, डाबर दंत मंजन, कोलगेट, वो कहेगा बबूल, तमाम तमाम चलेंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि समय के हिसाब से सारी चीजें बदल गई, साबुन बदल गई, मंजन बदल गए, तौर तरीके बदल गए, लेकिन ध्यान रखना कि आपने साबुन का इस्तेमाल जब भी किया तो अपने तन को स्वच्छ करने के लिए किया, वस्त्रों को स्वच्छ करने के लिए किया। साबुन के तरीके बदल गए, साबुन के नाम बदल गए, साबुन की क्वालिटी बदल गई, लेकिन साबुन का उपयोग सिर्फ तन को धोने के लिए, वस्त्र को धोने के लिए किया जा सकता है, कभी साबुन का उपयोग खाने के लिए नहीं किया जा सकता। कोई साबुन खाता नहीं है, कोई मंजन को खाता नहीं है। उसी प्रकार से जब आप तरह तरह की साबुनों से अपने तन को तो स्वच्छ कर लेते हो, लेकिन आपके पास में क्या ऐसी साबुन है जिससे आप अंतरंग के तन को भी स्वच्छ कर लो, अंतरंग के परिणाम को भी स्वच्छ कर लो। बहिरंग को तो आपने ना जाने सदियों से, जन्मों जन्मों से साफ किया है, लेकिन आपने कभी क्या अंतरंग को स्वच्छ किया है? और जिसका बहिरंग और अंतरंग दोनों स्वच्छ होता है, निश्चित रूप से वहां पर ही प्रभु का वास हुआ करता है। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान की उपासना करी और भगवान की उपासना करने के बाद उसने कहा कि हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ में सदैव रहो। उन्होंने कहा, भाई मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। देखिए, आप मुझे बताइए, आप सब मेरे दर्शन करने आते हो, आप सब भगवान के दर्शन करने आते हो, आप में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो यह कह सकता हो कि भगवान जी मेरी तरफ देखते नहीं है? भगवान जी की दृष्टि सभी के लिए बराबर है, अंतर इतना ऐसा है कि हम उस काबिल हैं क्या हम उनसे नजर मिला सके? उनकी दृष्टि बराबर है, पानी सबके लिए बराबर बरसता है, लेकिन आपकी योग्यता, आपकी पात्रता होना चाहिए। यदि आपके अंदर योग्यता है, आपके अंदर पात्रता है, तो आप बड़ी टंकी भर लोगे, और योग्यता नहीं है तो उल्टा ग्लास रख लोगे, तो कुछ भी नहीं भर पाएगा। तो परमात्मा जो होते हैं वह किसी के लिए विशेष नहीं देखते, वह सभी के लिए विशेष से सामान्य देखते हैं। उनकी नजरों में सारे लोग बराबर हैं, अंतर इतना है कि हमारी नजर में ही खोटे तो कोई क्या करे। तो उसने कहा, मैं आपको चाहता हूं आप मेरे साथ सदैव रहो। परमात्मा ने कहा, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूं। नहीं बोले, लेकिन मुझे तो एहसास नहीं है। ध्यान रखना, घर में जब कोई नई वस्तु आती है तो जो बच्चे लोग हुआ करते हैं वह क्या करते हैं, वह यदि नई शर्ट बच्चे ने पहन ली तो ऊपर नीचे पूरे मोहल्ले में घूमता है। क्यों घूमता है, क्यों घूमता है? कि लोग उससे पूछ लें कि तूने नई शर्ट कब खरीदी या कहां से खरीदी, कारण होता ना। तो परमात्मा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ सदैव हूं, लेकिन मुझे तो दिखता ही नहीं। जैसे आप अपनी वस्तु को दिखाना चाहते हो, उसी प्रकार से परमात्मा को भी देखना चाहते हो। परमात्मा अदृष्ट है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, एहसास भी हो जाएगा। अगले दिन वह समुद्र के किनारे चल रहा था। जब वह चल रहा था तो वह देखता है कि चार चार पैर के निशान हो रहे थे। रेत होती है तो रेत पे पैरों के निशान हो जाया करते हैं, चार चार पैरों के निशान हो रहे थे। बड़ा प्रसन्न हुआ कि दो पैर मेरे हैं और दो परमात्मा के हैं। वह आगे गया और आगे जाके जब वापस लौट रहा था, उस समय समुद्र की लहरें आ गईं, समुद्र में उफान आ गया। तो उस समय समुद्र की जब उफान आ गई, उस समय देखता है कि पैर के निशान दो दो रह गए। उसने मन में विकल्प कहा, हे परमात्मा, हे भगवान, हे गुरु, हे जिनवाणी मां, क्या संसार में स्थिति विकट है? क्या आपके यहां भी विकट है? देखिए, स्थिति कितनी भी विकट हो,
लेकिन जो देव शास्त्र गुरु के निकट है उसकी विकट स्थिति सारी समाप्त तो हो जाएगी। विकट स्थिति कितनी हो, समस्याएं कितनी भी हो, लेकिन आप यदि अच्छे लोगों के निकट हो तो सारी स्थिति आपकी सिमट जाएगी। बोले क्या हुआ? बोले मैंने आपसे निवेदन किया था, मैंने आपसे भावना भाई थी कि आप सदैव मेरे साथ रहना आप। तो बोले मैं तो सदैव साथ में हूं। बोले लेकिन जब मैं जा रहा था, जब तो मैंने देखा कि आपके साथ साथ में मेरे चार दो दो पैर चल रहे थे, चार चार पैर चल रहे थे, लेकिन जब मैं लौट के आया तो मेरे को तो सिर्फ दो पैर मेरे दिखे। परमात्मा ने कहा यही तो तुम्हारी भूल है, यही हम सब अज्ञानियों की भूल होती है, यही सभी संसारी जीवों की भूल होती है। सुख में तो हम सोचते हैं कि जो मिल रहा है वह हमारे कारण मिल रहा है, लेकिन ध्यान रखना परमात्मा ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जो दो पैर लौटते में दिख रहे थे वह दो पैर तेरे नहीं थे, वह दो पैर मेरे थे। तो बोले मेरे पैर कहां गए? बोले मैंने तो तुझे गोद में उठा रखा था कि कहीं बहर में बह ना जाए, लहर में बह ना जाए, इसलिए मैंने तुझे गोद में उठा रखा था। तो ध्यान रखना कि सुख में आपके सामने सारी दुनिया होती है, लेकिन दुख में आपके सामने परमात्मा ही होते हैं, लेकिन अंतर इतना है कि वह परमात्मा का वास कहां होगा? जब मन स्वच्छ होगा, विचार स्वच्छ होगा, क्योंकि एक बार में एक वस्तु आपके पास रह सकती है, या तो आप बुराई को रख लो या अच्छाई को रख लो, आप मीठे को रख लो नमकीन को रख लो, आप पानी को ग्लास में भर लो दूध को ग्लास में भर लो शरबत को ग्लास में भर लो, एक समय में एक चीज आपके पास में रह सकती है। अब आपको यह सोचना है, आपको यह समझना है कि मुझे अपने पास कौन सी वस्तु रखना है। तो आज आपको विचार करना है कि सफाई करना है, जिस प्रकार से आप खाने को साफ पसंद करते हो, जिस प्रकार से आप पीने को साफ पीना पसंद करते हो पानी को, जिस प्रकार से आप कपड़ों को साफ पहनना पसंद करते हो, जिस प्रकार से आप घर को स्वच्छ रखना पसंद करते हो, उसी प्रकार से अपने मन मस्तिष्क को स्वच्छ रखना का प्रारंभ करो। अपने मन मस्तिष्क को स्वच्छ रखो, और जिस दिन आपका मन मस्तिष्क स्वच्छ हो जाएगा उस दिन आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आज हमारा मन स्थिरता को पा ही नहीं पा रहा है। कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि वो बैठ के सभा में ताली बजाते हैं, उनसे पूछा जाए कि ताली क्यों बजा रहे हो, उससे पूछा जाए कि ताली क्यों बजा रहे हो, तो सच्चे मन से आदमी जो बोलता है वो एक बोलता कि भाई मेरा पड़ोसी ताली बजा रहा है इसलिए मैं ताली बजा रहा हूं। कई लोग जब किसी के यहां पे मृत्यु हो जाती है वहां पर जाकर रोते हैं, ऐसे जोर जोर से रोते हैं, ऐसे जोर जोर से रोते हैं, ऐसे जोर जोर से रोते हैं कि सारे संसार का दुख उसको ही हो गया, और बाहर निकल के कहते हैं ये तो चला गया, मेरे 50 लाख मर गया। वहां पर रो रहा है, चिल्ला रहा है, सब कुछ कर रहा है, बाहर आके गाड़ी में बैठकर कहता है ये चल पड़ा, मेरे 50 लाख का तो नुकसान कर गया। अरे भाई ये क्या है, रोने में रोने लग जाते हो, हंसने में हंसने लग जाते हो, आप कठपुतली हो क्या? आपका भी तो कोई अस्तित्व है, आपके भी तो कोई मन की इच्छाएं हैं, आपकी भी तो कोई मन की भावनाएं हैं, लेकिन कब बनेंगी? कि जब आपका मन स्वच्छ होगा, मन साफ होगा, विचार स्वच्छ होगा, तन साफ होगा। तन तो आप साफ कर लेते हो साबुन लगा लगा के, दांतों को साफ कर लेते हो पेस्ट मंजन लगा लगा के, लेकिन आप कभी अपने अंतरंग को स्वच्छ करने का प्रयास करो, अपने विचारों को स्वच्छ करो, क्योंकि संसार में सबसे ज्यादा यदि समस्या होती है तो वह अपने विचारों के कारण होती है। आपको मैं कह दूं कि कल मंदिर में आना है और आपको मंदिर में बैठने के बाद घर के बारे में बिल्कुल विचार नहीं करना है। आज तक आपने जिंदगी में यहां बैठकर घर के बारे में विचार नहीं किया होगा, लेकिन कल जैसे ही मंदिर में आओगे, अरे शक्कर ही नहीं है घर में, थोड़ी देर बाद विचार आएगा अरे आज तो मैं सामान निकालना भूल गया, थोड़ी मतलब आपको कह दिया जाए कि विचार मत करना तो आपका विचार ज्यादा जाएगा। आपसे समिति वाले कह दें कि कल आप लोग मंदिर आओगे तो सामने पार्क की तरफ जो बैनर लगा हुआ है उसको मत देखना,
जिस आदमी ने अपने जिंदगी में कभी पार्क की तरफ नहीं देखा, वह बार बार कैसे देखता पता आपको, ऐसा ऐसे कर करके देखे, जो ऐसे हाथ लगा लगा के चलते हैं वह बार बार देख रहा है, बार बार देख रहा है। क्यों? क्योंकि मना कर दिया गया ऐसा काम मत करना। ये संसार की स्थिति है कि जिसको जितना आप मना करोगे वह उतना ही बढ़ेगा। मैं कहूंगा विचार को कंट्रोल कर लो, आपका विचार कंट्रोल की दुकान हो जाएगा। मैं कहता हूं कि अपने विचारों को कंट्रोल कर लो, आपका विचार जो है वो एक कंट्रोल की दुकान हो जाएगा। जैसे कंट्रोल की दुकान होती है उसमें कितना माल रहता है, लाइन लगा के लोग खड़े रहते हैं। तो यहां पर कह दिया गया कि विचार को सीमित कर लो, विचार को नियंत्रित कर लो, लेकिन विचार और भाग रहे हैं, और भाग रहे हैं, और भाग रहे हैं। तो ध्यान रखना, जब तक आपके मन का विचार एकाग्र नहीं होगा, और मन का विचार कब होगा कि जब आपके विचारों में सफाई होगी, आपके मन मस्तिष्क की सफाई। अरे झाड़ू पूरी दुनिया में ना जाने कितने बार लगवाई होगी, कई बार लगाई भी होगी, लेकिन अपने मन में तो झाड़ू लगाओ। एक बार 24 घंटे में प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन में भी झाड़ू लगाना चाहिए, अपने विचारों को भी झाड़ू लगाना चाहिए, अपनी काया को भी झाड़ू लगाना चाहिए। अर्थात ये नहीं, मैंने एक दिन प्रवचन में कह दिया कि सभी लोगों को अपना दिमाग ठंडा रखना चाहिए। एक आदमी उठा सुबह, फ्रिज में से बर्फ निकाला और घिसने लग गया सिर पे जोर जोर से। बोले क्या कर रहे हो? बोले महाराज जी ने कहा था कि दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। ऐसा मत करना कि मैंने कहा कि दिमाग में झाड़ू लगाओ तो कल से झाड़ू लेके धनाधन चालू कर लो, लोग पागल समझेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संतोष काला, श्रीमती सुरेखा काला, रायपुर, छत्तीसगढ़। सौभाग्य भक्त श्री रमेश काला, श्रीमती गुरमाला काला, हैदराबाद। सौभाग्य भक्त श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। आयोजक सौभाग्य संस्कार संगठन, दिल्ली। अचल जैन, अजीत सेठी, विकास जैन, पुष्प जैन।